बेड़ो प्रखंड के हरिहरपुर जामटोली गांव स्थित सांस्कृतिक भवन में सोमवार को झामको फेड कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा लघु वनोपज के विनाश विहीन विदोहन के मॉडर्न टूल्स किट का वितरण किया गया। झामको फेड के आहरण प्रबंधक सुधीर कुमार, तकनीकी पदाधिकारी नीलम कुमारी, पंचायत की मुखिया लक्ष्मी कोया व पूर्व मुखिया सुनील कच्छप, लैम्स के अध्यक्ष चरवा उराव, गोविंदी उराव ने जागृति, प्रकाश, दीपक, एकता व मिसी स्वयं सहायता समूह को 10-10 और नगरी लैम्स को 20 टूल किट का वितरण किया। लैम्स अध्यक्ष शर्मा उराव के प्रयास से जामटोली पंचायत के महिलाओं को यह टूल किट उपलब्ध हुआ है। झामको फेड के नीलम कुमारी ने टूल किट के बारे में बताया कि इस किट से पर्यावरण, पेड़ पौधे नष्ट होने से सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं सुधीर कुमार मंडल ने टूल किट के फायदे बताए। महुआ, इमली, आम तोड़ने से गंदे जगह पर गिरता, फिर उसे चुन कर खा जाते हैं, जिससे बीमारी बढ़ता जाता है, लेकिन यह टूल किट से आप साफ सुथरा चीज खा पाएंगे और बीमारी से दूर रहेंगे और अपने काम से समय को जल्द कर पाएंगे। मौके पर पंचायत की मुखिया लक्ष्मी कोया ने कहा कि कृषि में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। गांव से पलायन की समस्या दूर करने के लिए गांव को सुविधा संपन्न बनाना होगा। उन्होंने महिलाओं से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में बढ़कर कार्य करने की बात कही। अनाज उगाने से लेकर भोजन बनाने तक में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं पूर्व मुखिया सुनील कच्छप ने कहा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तो समाज सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि टूल किट वितरण से आर्थिक और सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। समूह की महिलाएं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगी, स्वास्थ्य का ख्याल रख सकेंगी। उन्होंने झामको फेड को इससे भूमिका निभाने पर धन्यवाद दिया। मौके पर ग्राम प्रधान राम प्रसाद, मुखिया सरिता एक्का, बारा पाढ़ा राजा विशाल उराव, नगरी लैम्स अध्यक्ष मुन्नी उराव, प्रीति तिर्की, सरिता देवी, सुमो उराव, समिया उराव, नरेश पहान, मुकेश गोप, दिलीप उराव, राजेश लोहरा समेत ग्रामीण मौजूद थे। सोना न्यूज बेड़ो से राज